गाइस, मेरा नाम है रयान। आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे को कमेंट्स में बोला था कि एक बड़े साइज की RC 4x4 थार खरीदने के लिए। ये लोग गाइस खरीद के लेके आ चुका हूँ एक बहुत बड़े साइज की RC थार। इसका बॉक्स देखो यार, कितना ज्यादा बड़ा है। आज इसकी मैं फाइट कराऊंगा बहुत ही कमाल की RC कार्स के साथ। चलो वो कार्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अपनी जिमनी RC कार, आप लोगों को पता होगा ये एक मॉडिफाइड जिमनी है, बहुत ही कमाल की ऑफ रोडिंग ये कर सकती है। यहाँ पे मेरे पास एक मॉन्स्टर बम्बल भी RC कार, और गाइस ये तो आपको पता होगा बहुत ज्यादा फास्ट चल सकती है। इसका नाम है चेस हाई स्पीड RC कार। चलो गाइस सबसे पहले आज की वीडियो में थार 4x4 RC कार को अनबॉक्स करते हैं। यहाँ पे देखो इसका नाम दिया गया है माशिका रॉक हॉबी की तरफ से, मैंने इसको खरीदा है। इसके अंदर बहुत यूनिक फीचर्स दिए जाते हैं, वो सारी चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे इसके अंदर एक बहुत ही यूनिक फीचर भी दिया गया है। यहाँ ऊपर का जो हार्ड टॉप है वो भी हम लोग इसके अंदर निकाल सकते हैं, बोनट ओपन हो जाता है। इसका हार्ड टॉप निकालने के बाद इस तरह से हम लोग कार को पूरा रेडी कर सकते हैं, ओपन टॉप भी हम लोग इसको चला सकते हैं। तो ये कार कितनी ज्यादा बड़ी है, यहाँ पे इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर क्या क्या मेन फीचर्स हैं वो सारी चीजें यहां पे दी गई है। चलो गाइस बिना वक्त वेस्ट किए फटाफट से खोलते हैं अपनी थार 4x4 को। आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर से दबा देना। ये क्या चीज है यार, मेरे को लगा था कि इसके अंदर डायरेक्ट कार निकलेगी, पर यहाँ पे देखो बक्सा जैसा कुछ दिया गया है। तो इसको निकाल लेते हैं। जैसे कि अपनी RC जिमनी हम लोगों को इसी तरह के हार्ड टॉप बॉक्स में मिली थी, तो ये कार को भी इसी तरीके से पैक किया गया है। ये डिब्बे को आप कितना भी फेंक लो गाइस, ये टूटेगा फूटेगा नहीं। यहाँ पे है यार इसका हैंडल पकड़ने के लिए, ये देखो भाई काफी ज्यादा मजबूत बॉक्स है। यहाँ पे इस तरह के क्लिप्स वगैरह दिए गए हैं इसको खोलने के लिए। तो अब निकालते हैं अपनी थार 4x4 को। ओ भाई साहब कितनी ज्यादा बड़े साइज की है यार ये देखो, ये इसका यूजर गाइड है। ओ माय गॉड गाइस, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये थार इतनी ज्यादा बड़ी निकलेगी। यहां से एक बार मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं। यार पूरी की पूरी एक थार जैसी ये दिखाई दे रही है, मजा आ गया यार इसको देख के। पीछे से भी देख लो यार, और इसको साइड से भी देख लो भाई, सच में यार मजा बोले तो एकदम डबल मजा आ गया मेरे को तो आज। तो इसका कलर भी मेरे को काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है भाई, थार ये कलर में ही एकदम गजब की लगती है। तो यहाँ पे है इसका रिमोट कंट्रोलर। सब काफी कमाल का रिमोट दिया गया है। यहाँ पे स्टीयरिंग है, चैनल 4 का स्विच है, चैनल 3 का स्विच है, ये इसका ट्रिगर है। यहाँ पे देखो गाइस मैजिक, इतने ढेर सारे बटन इसके अंदर दिए गए हैं थार को चलाने के लिए। नीचे की तरफ 4 AA बैटरीज डालनी पड़ती है। ओवरऑल रिमोट की बिल्ड क्वालिटी एक नंबर मेरे को लग रही है। तो इसके अंदर और क्या है देख लेते हैं। कुछ स्टिकर्स वगैरह दे रखे हैं इन लोगों ने स्पीडोमीटर के, तो इसको यहीं पे रख देते हैं। और कुछ भी नहीं है, बैटरी ये लोग देते नहीं है यार, यही दिक्कत है। तो बैटरी मैंने खुद से ही खरीदी है। ये थार को खरीदने में मेरे पसीने छूट गए यार, क्योंकि इसको मैंने 50,000 रुपयों में खरीदा है गाइस। ओवरऑल यहाँ पे विंडशील्ड भी आप देख सकते हो, वाइपर वगैरह भी देख सकते हो यार, एकदम रियल जैसे ही ये दिखाई दे रही है। विंडशील्ड के ऊपर एक कवर है, इसको हटा देते हैं एक बार। ओ भाई साहब अंदर देखो गाइस, एक और मिरर भी दिया गया है पीछे की चीजें देखने के लिए। तो साइड से एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, साइड मिरर्स भी दिए गए हैं। ओ माय गॉड रियल जैसे ये लग रहे हैं यार। देखो इसको मैं फोल्ड भी कर सकता हूँ, अनफोल्ड भी कर सकता हूँ। एक और चीज दिखाता हूँ, ये देख लो डोर भी इसका ओपन हो जाता है भाई, क्या चीज है यार। यहाँ पे देखो गाइस डोर हैंडल्स तक यहाँ पे दिए गए हैं, मजा आ गया यार। ये इसकी छोटी सी स्टीयरिंग है। ओ भाई स्टीयरिंग टर्न हो रही है, ये देखो गाइस जैसे ही मैं रिमोट से इसको अटैच करूंगा तो रिमोट से भी ये स्टीयरिंग को हम लोग इस तरह से टर्न कर सकते हैं। सीट्स की बात करूं तो सीट्स इस तरह की रियल वाली सीट्स इसके अंदर लगाई गई है। यहाँ पे इसके पैडल्स ब्रेक वगैरह भी दिए गए हैं, और ये भी पूरी तरीके से मूवेबल है। गियर नॉब यहाँ पे है, अरे यार गियर नॉब भी इसका हिल रहा है। तो इस तरफ से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, जिसको इस तरफ टर्न कर दिया मैंने, इस तरफ का भी गेट जो है इसका ओपन हो जाता है। यहाँ पे देख लो गियर नॉब वगैरह आपको दिख रहा होगा। इस तरफ की भी सीट की कुशनिंग काफी मस्त दी गई है यार, दिखने में पूरी की पूरी रियल सीट जैसी दिखाई दे रही है, पर ये आगे पीछे नहीं हो रही है। तो अभी इसके अंदर जाके मैं आपको बताता हूँ गाइस। ओहो भाई साहब क्या ही डिटेलिंग दी गई यार, मजा आ गया इसको देख के। तो इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे देखो फुट रेस्ट भी दिया गया है। अगर इसके सस्पेंशन की बात करूँ तो गाइस देख लो क्या ही स्मूथ सस्पेंशन दिया गया यार, ऑफ रोडिंग कराने में तो भाई इसमें एकदम मजा ही आ जाएगा। पीछे से अपनी थार इस तरह की दिखाई दे रही है। यहाँ पे टेल लाइट है, टेल लाइट्स ऑलमोस्ट रियल थार जैसी दिख रही है। पीछे एक एक्स्ट्रा व्हील भी दिया गया है, इसको हम लोग इस तरह से ओपन भी कर सकते हैं। यहाँ पे देख लो
बहुत बड़ी डिक्की भी दी गई है। अभी इसको भी खोल के दिखा देता हूँ। अब ये ऊपर का ग्लास भी देखो थार जैसा ही दिया गया है। इसको बंद करने के बाद ये गेट हम लोगों को बंद करना पड़ता है। अंदर यहाँ पे पीछे एक्स्ट्रा सीट्स भी दी गई है, बिल्कुल थार की ही कॉपी कर रखी है। ओवरऑल छत की बात करूँ तो ये छत पूरी तरीके से अलग भी हो जाती है। हार्ड टॉप छत इसके ऊपर दी गई है। यहाँ पे ग्लासेस वगैरह भी आप देख सकते हो, इसको हम लोग बाहर भी निकाल सकते हैं। तो अभी बात करते हैं गाइस इसके मोटर की। यहाँ से इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे 35T ब्रशड मोटर दी गई है। मोटर का साइज काफी ज्यादा बड़ा है और इसके अंदर गियर सिस्टम भी लगा हुआ है। कम्प्लीटली ये जो है वाटर प्रूफ है। यहाँ पे इसका ऑन ऑफ स्विच है, यहाँ पे इसका ESC लगा हुआ है। और अभी बताता हूँ इसकी बैटरी। ये बैटरी जो है मैं पहले जिमनी के अंदर यूज किया करता था, तो आज मैं इसके अंदर भी यही बैटरी यूज करूंगा। ये 3300 mAh की 3-cell वाली बैटरी, इसको यहीं पे ही मैं लगा देता हूँ। ओवरऑल भाई अंदर की चीजें जो है काफी बढ़िया मेरे को लग रही है। तो एक और चीज मैंने अभी नोटिस की है वो देख लो, ये जो चीज है ना यार के बोनट को सपोर्ट करने के लिए इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब देखो इसके बोनट को हम लोग इस तरीके से लगा भी सकते हैं। ओह माय गॉड कितनी कमाल की डिटेलिंग दी गई यार। इसको वापस से पे ही रख देते हैं गाइस। देखो इस तरह से ये वापस यहाँ पे फिट भी हो जाएगा। तो इसको बंद कर दिया मैंने। अभी भाई इसके नीचे की चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखो गाइस यहाँ पे इसका शाफ्ट वगैरह है, कंप्लीटली 4x4 है, स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन है और ऑयल फील्ड भी मेरे को लग रहे हैं क्योंकि बहुत ही स्मूथ सस्पेंशन इसके अंदर दिया गया है। बहुत ही ज्यादा गजब के व्हील्स दे रखे हैं। इसके ऊपर ग्रिप देखो, ओ माय गॉड बहुत ही सॉफ्ट व्हील्स है। यहाँ पे इसका जो अलॉय का डिजाइन है ये भी बहुत ही यूनिक है। तो आज यार इसको ऑफ रोडिंग कराने में बड़ा ही मजा आने वाला है। यहाँ पे हर तरफ मेटल के हिंजेस भी इसके अंदर लगाए गए हैं। यहाँ पे भी देख सकते हो मेटल के हिंजेस है। ये मेटल के हिंजेस होने से यार ये बहुत ही स्मूथ तरीके से ओपन हो जाती है। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो अभी इसकी डिटेलिंग के बारे में बात करते हैं। सामने थार जैसी ही ग्रिल देखने को मिल जाती है, बस यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है। जैसे कि थार के अंदर ये जो इंडिकेटर है यहाँ पे लगे होते हैं, पर इसके अंदर यहाँ पे दिए गए। और एक चीज गाइस मैंने नोटिस की है, इसके जो हेडलाइट्स है ये रेक्टेंगुलर शेप में है, पर थार के अंदर राउंड शेप के हेडलाइट देखने को मिलते हैं। आने वाले दिनों में ये हेडलाइट्स निकालकर मैं इसके अंदर राउंड शेप की हेडलाइट लगाने वाला हूँ और ये इंडिकेटर्स को भी यहाँ पे रिप्लेस करने वाला हूँ। बाकी सामने देख सकते हो बम्पर काफी ज्यादा हेवी साइज का दिया गया है। तो थार 4x4 को कंपेयर करते हैं जिमनी के साथ। जिमनी भी इसके सामने एकदम छोटी लग रही है गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो एकदम बच्ची लग रही है, जैसे कि देख सकते हो। और दोनों को एकदम मैं चिपका के भी रख देता हूँ। दोनों के व्हील्स के अंदर देखो कितना ज्यादा फर्क है। इसके भी व्हील्स कंप्लीटली ऑफ रोड वाले हैं, बहुत ही स्मूथ, बहुत ही फ्लफी से व्हील्स इसके अंदर भी मिलते हैं, पर इसके ऊपर ज्यादा ग्रिप देखने को नहीं मिलती है। पर इसके व्हील्स देखो कितने ज्यादा खतरनाक ग्रिप दी गई है। और लुक वाइज भी अपनी जो थार है बहुत ज्यादा रियलिस्टिक दिख रही है। जिमनी भी कुछ कम है नहीं गाइस। आज दोनों की फाइट में देखते हैं कौन जीतता है। ऊपर से यहाँ पे हाइट भी आप देख सकते हो कितना ज्यादा डिफरेंस दिया गया है हाइट में भी। इसको भी थोड़ा सा पलट देते हैं पीछे से भी। भाई ये देखो कितनी ज्यादा मैस्कुलर लग रही है, मजा आ जाता है गाइस इस तरह की कार्स देखकर। तो इसको हटाते हैं साइड में। अब इसके साइड में देखो मैं चेज RC कार को रखता हूँ। ये कार भी देख लो यार इतनी छोटी लग रही है इसके सामने। इन दोनों के बीच में भी फाइट कराएंगे, देखते हैं गाइस क्या थार 4x4 मॉन्स्टर बम्बल भी RC कार को हरा पाती है यानी। ओके गाइस सभी कार्स को मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब कराते हैं इनके बीच में फाइट, देखते हैं कौन जीतता है। ये कार के साथ मैं एक और चीज भी करने वाला हूँ। आप लोगों को पता होगा मेरे पास बहुत सारी ट्रैक्सेस की कार्स है, ट्रैक्सेस की कार्स के साथ भी मैं इसकी फाइट कराऊंगा। देखते हैं गाइस ये कार सबसे ज्यादा पावरफुल है या फिर ट्रैक्सेस की कार्स। तो गाइस अभी इसको मैं कनेक्ट करने वाला हूँ बैटरी से। कनेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच है, ऑन हो चुकी है अपनी कार। और देखो हेडलाइट्स यहाँ पे जलने लगी है अभी इसकी। जैसे जैसे मैं रिमोट के अंदर स्टीयरिंग घुमाऊंगा कार के अंदर की जो स्टीयरिंग है ये भी घूमने लगेगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये फीचर इसका मेरे को बहुत ज्यादा कमाल का लगा गाइस। चलो अभी इसको रोड के ऊपर चला के देखते हैं इसकी कंट्रोलिंग वगैरह कैसी है। कार तो बहुत स्मूथली चल रही है गाइस। और इसकी मोटर की आवाज सुनो बहुत ज्यादा कमाल की दी गई है। इसी से पता चलता है कि ये RC 4x4 था, बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ही कमाल की कंट्रोलिंग दी गई है। ब्रेक्स भी एकदम मक्खन की तरह लग रहे हैं इसके अंदर। यहाँ पे थोड़ा सा ड्रिफ्ट करा के देखते हैं। ओ माय गॉड कमाल की ड्रिफ्ट कर रही है। अब इसको थोड़ा सा ऑफ रोड में भी ड्रिफ्ट कराएंगे। ओ भाई यहाँ पे तो अभी ऐसा लग रहा है कि कोई रियल थार ड्रिफ्ट कर रही है मिट्टी के अंदर। देखो इतनी ज्यादा धूल मिट्टी उड़ा रही है, मजा आ गया गाइस इसको ड्रिफ्ट करा के। काम करते हैं अभी इसको थोड़ा सा झाड़ियों में भी चला के देखते हैं। देखो झाड़ियों के अंदर मैं इसको लेके जा चुका हूँ, देखते हैं यहाँ से निकल पाती है यानी। ओ माय गॉड बहुत आराम से यहाँ से निकल चुकी है। रीजन गाइस सामने बहुत ही मजबूत बम्पर इसके अंदर दिया गया। इसके सामने जो भी आता है ना उसको
साइड करके आगे बढ़ने लगती है, क्योंकि गाइस थार है ही ऐसी चीज। अब देखते हैं ये थार मेरी रियल कार के ऊपर चढ़ पाती है या नहीं। इसके अंदर डिफरेंशियल लॉक्स नहीं दिए गए जैसे कि ट्रैक्सेस कार्स के अंदर दिए जाते हैं। फिर भी देखो गाइस इसके व्हील्स के ऊपर ग्रिप बहुत अच्छी होने के कारण ये इतने ज्यादा क्लाइंबिंग पे भी आराम से रुकी हुई थी। यहाँ पे तो यार बहुत आराम से चढ़ गई है बिना कोई दिक्कत के। अब इसको यहाँ से टर्न कराते हैं क्योंकि ये कार बहुत ज्यादा बड़ी है, तो इसको टर्न कराने में मेरे को यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो रही। बाकी व्हील्स के ऊपर बहुत अच्छी ग्रिप होने के कारण मेरे को नहीं लगता गाइस ये यहाँ से फिसल के नीचे गिरेगी। अब देखो यहाँ से मैं इसको नीचे उतारने वाला हूँ। देखो ग्लास के ऊपर भी इसको बहुत अच्छे तरीके से ग्रिप मिल रही है और धीरे धीरे करके ये आराम से नीचे की तरफ भी आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि ये एकदम स्मूथ सरफेस पे भी बहुत अच्छे तरीके से क्लाइंब कर सकती है। मिट्टी के पहाड़ पे भी मैं इसको आपको क्लाइंब करा के बताने वाला। अब मॉडिफाइड आरसी जिम्नी को टेस्ट करते हैं। इसके रिमोट के अंदर बहुत सारे बटन दिए जाते हैं ताकि हम इसकी लाइट्स को अलग अलग तरीके से कस्टमाइज कर सके। इसकी लाइट्स का कलर भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से ये कार भी चलती है, इसकी स्पीड भी अच्छी खासी दी गई है और ये कार भी 4x4। अब ये कार का 4x4 कितना ज्यादा कमाल का है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे 6 आरसी कार को मैंने रख दिया है। देखो भाई इसके व्हील्स इतने ज्यादा बड़े बड़े हैं फिर भी जिम्नी भाई इसके ऊपर आराम से खड़ी हो चुकी है। यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने अभी इसको 70 डिग्री के टिल्ट एंगल पे खड़ा करके रखा है। अगर इसके प्लेस में कोई दूसरी कार होती ना तो धड़ाम से नीचे गिर जाती बैलेंस खराब होने के कारण, पर इसको देखो यार कितने आराम से खड़ी हुई है। अब देखते हैं क्या जिम्नी भी मेरी कार के ऊपर क्लाइंब कर पाएगी या फिर नहीं। इसके अंदर भी डिफलॉक सिस्टम नहीं दिया गया, फिर भी देखो अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस करके रुकी हुई है। यहाँ पे तो आराम से चढ़ गई थी, अब देखते हैं ग्लास के ऊपर चढ़ पाती है या नहीं। यहाँ पे इसके व्हील्स फिसलने लगे गाइस, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इसके व्हील्स के ऊपर ग्रिप थोड़ी सी कम दी गई है। अब देखो थोड़ी सी स्पीड बढ़ाने के बाद ये आराम से ऊपर चढ़ गई है। इसका साइज थार के मुकाबले में थोड़ा सा छोटा होने के कारण देखो बहुत आराम से ये टर्न ले चुकी है और इसका टर्निंग रेडियस भी बहुत ज्यादा कम। ओ भाई देखो ग्रिप कम होने के कारण ये फिसलती हुई नीचे आ चुकी थी। अब इसको यहाँ से भी नीचे लेके आते हैं गाइस। तो क्लाइंबिंग के मामले में थार एक नंबर लगी मेरे को। अब चेज आरसी कार को चला के देखते हैं। ये कार बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा फास्ट है यार, मेरे को तो लगता है ये थार से भी ज्यादा फास्ट चल सकती है और ये कार स्पिन भी कर सकती है रोड के ऊपर। इसके अंदर भी डिफलॉक सिस्टम नहीं दिया गया है। जैसे ही मैं इसको देखो बोनट के ऊपर छोड़ रहा हूँ ये लुढ़कती हुई पीछे की तरफ आ रही थी। अब देखते हैं क्या ये क्लाइंब कर पाती है यानी आरसी थार के जैसे ही। अरे ये क्या हो गया, इसका तो व्हील वाइपर में आके फंस गया है। थोड़ा सा इसको आगे रख देते हैं। यहाँ पे देखो है ज्यादा पावर जनरेट नहीं कर पा रही थी। अब देखते हैं ऊपर चढ़ पाती है यानी। यार ये तो बहुत आराम से चढ़ गई स्मूथ सरफेस पे भी। ओ माय गॉड सच में यार कमाल की कार है ये तो। अब मॉन्स्टर बम्बल भी आरसी कार को टेस्ट करके देखते हैं गाइस। ये कार इतनी ज्यादा बड़ी है कि क्या ही बताऊं यार। बोनट के ऊपर तो आराम से चढ़ गई थी पर देखो ग्लास के ऊपर ये बिल्कुल भी नहीं चढ़ पा रही है। इसके व्हील्स यहाँ पे फिसलने लगे हैं। ये ऑरेंज कलर की थार मेरे पास बहुत दिनों से थी, इसको मैंने बड़ी थार के साइड में रख दिया गाइस। देखो ये कितनी छोटी लग रही है यार इसके सामने। आज की वीडियो काफी ज्यादा बड़ी बन चुकी है गाइस। आज की वीडियो सिर्फ पार्ट 1 होने वाली है, पार्ट 2 की वीडियो कल आएगी। चलो अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। नाम है शौनक, मंजीत, अभिषेक, रूहान, नवीन, मिहिर, भुवन, सुफियान, राहुल, निशांत, थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।